कुंड करके जगह है, मेरी हालत खराब हो गई भाई भीग भीग के। ओ भाई ये देखो सब भीग गया, यहाँ से मुझे ऊपर जाना। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है लेकिन मैंने गोप्रो लगा दिया है, फोन मैंने बैग में डाल दिया है। 6:30 हो रहा होगा अभी, बोल रहे थे कि 5 किलोमीटर है यहाँ से उखीमठ, फिर उखीमठ से भी मुझे आगे जाना है। बस अंधेरा में हो बस, अब तो ये है भाई बारिश का तो भीग ही गए पूरे। कैमरे को मैं ऑन ही रखता हूँ यार, इसका वो तो लगाया ना मैंने एडेप्टर। यस यहाँ पे मैंने चाय पी और पकोड़े खाए यार, उसकी दुकान में 6:17 हो रहा था, अभी 6:30 हो गया होगा। बारिश भाई बारिश, और आओ बेटा मानसून में आगे मजे। उखीमठ 2 किलोमीटर, चलो भाई उखीमठ तो आ गया अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं तो भाई बारिश बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी जो दूर है यार, हालत खराब हो गई थी बारिश में भीगते भीगते। और ये राइडिंग गियर वगैरह होता है सब फर्जी होते हैं साले, इतने पैसे दे के खरीदो ऊपर से कोई फायदा नहीं यार, सारा पानी लीक कर रहा अंदर। भैया रांची के लिए रास्ता कैसे आगे से? ठीक है तो यार अंधेरे होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा शायद रांची विलेज। एक मेरे चश्मे में सारा भूत है, गिर गिर के मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। कब मुझे होटल रूम मिले और कब ये मैं गीले कपड़े उतारूं और सूखे कपड़े पहन के कब बेड में सोऊं यार। उखीमठ चोपता टुंगनाथ, अच्छा मध्य महेश्वर 40 किलोमीटर, अच्छा ये है भाई मध्य महेश्वर प्रवेश द्वार, जय भोलेनाथ। व्हाट द हेल अंकल, ये रांची विलेज के लिए, रांची विलेज ये कितनी दूर है यहाँ से? 25 किलोमीटर भाई, ये तो 25 किलोमीटर बोल रहे हैं यार, किसी और से पूछता हूँ भाई, मैं तो सोचता था कि ये पास होता होगा। भैया रांची विलेज के लिए यही है, कितनी दूर है, कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा? ठीक है थैंक यू भाई। सीधा सीधा ही है ना कि मुड़ना नहीं है? सीधा थैंक यू। 25 किलोमीटर यार 1 घंटा लगेगा, मतलब 8 बजे तक पहुंचता हूँ मैं। मैं तो 15 किलोमीटर लगा रहा था भाई, ये तो 25 किलोमीटर निकला, 7 से तो ऊपर बच गया होगा यार। इनके पीछे पीछे चलता हूँ यार, थोड़ा अच्छा सा भी लगेगा, इनके पीछे चलते चलते ना थोड़ा सा साथ हो जाएगा एक, नहीं तो मैं ही हूँगा शायद इस अकेले रास्ते में। ओ तेरी, अब कोहरा भी लग गया, क्या बात है, वाह इसी की कमी थी। अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। ओ भाई लोगों भागो मत यार इतनी तेज चला रहे हैं यार ये। लेकिन अपने को नहीं आना भाई बहकावे में, ये लोग यहाँ के लोकल हैं, इनको चलाने दो तेज। बस भाई लोग गिरना मत, सेफ चलाओ। ओ माय गॉड भाई व्यू तो ऐसे तगड़े तगड़े हैं, लेकिन ना अभी मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी सी दूसरी हैं, इनका पीछा करते करते ना टाइम भी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और इनको यहाँ के खड्डे खड्डे भी पता होंगे। चलो भाई लोग चलो, कम ऑन। काश ये पूरा रांची विलेज तक जाते तो मजा आ जाता। कम ऑन चीतो कम ऑन, सही है भाई सही है, चलो चलो चलो।
भाई रास्ता तो खराब है यार। ये देख रहे हो पूरा कोहरे से कैसे गिर रहा है, ये पूरा वाइट आउट हो गया यार नीचे। बैड प्लानिंग का नतीजा। रांची 17 किलोमीटर। ओके ओ भाई गंदी वाली ऑफ रोडिंग हो गई यार। गंदी वाली ऑफ रोडिंग हो गई भाई। शिट जमा था दी। अब ना है यार ऐसा। भाई रांची विलेज कितनी दूर है? और रांची के लिए भाई साहब यहाँ से होगा लगभग 15 किलोमीटर। कितना टाइम? ऐसी खराब रोड है क्या पूरी? हाँ रोड तो ऐसी यार। एक जो पीछे सबसे खराब वाला आया था उस वैसा भी मिलेगा आगे? थोड़ा ठीक है। अच्छा ठीक है। होगा वो अभी शायद 7:30 के आसपास हो गया होगा। पूरे जूते पैर में चप चप हो रही है यार। इधर तो बड़ा सा मार्केट अच्छा खासा। चश्मा पोछता हूँ साला। ओ पड़ गई क्या? कैमरा तुझे फोड़ दिया मैंने। अच्छा हुआ मैंने खाना वाना खा लिया यार, नहीं तो भूखे पेट ये सब करने ना नहीं हो पाता भाई, बहुत टफ पड़ जाता है। अच्छा वो खाना फुल पेट में मतलब उतना वो नहीं होता, खाली पेट में तो भाई और भी लगती है वाट। कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा यार, अंधेरा हो गया काफ़ी। 7:30 तो बज गया होगा। एक और छपाक पड़ा बूट पे। वो तेरी दिख रहा हो इसमें आराम से भाई पैर टेक टेक के। इत्मीनान से पैर टेक टेक के जाओ। खतरनाक एडवेंचर हो गया आज। कहाँ मैं सुबह से कह रहा था कि आलस आ रहा है। अब एड्रेनलिन ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को एड्रेनलिन क्या बोलते हैं उसको, जीप भी मेरी वो थक गई है अब। एड्रेनलिन ऐसा लग रहा है किसी ने एड्रेनलिन के शॉट दे रखे हैं। अभी मैं एकदम ही चंगा हो रखा हूँ और ऑफ रोड बिल्कुल डर्ट बाइक बना रखी है मेरे इंटरसेप्टर यार। इसमें मज़ा तो आ रहा है बहुत। अगर ये सूखी होती ना फिर भी अब ये क्या है भाई? वाह माय गॉड
डरावना टाइप का है यार वैसे, मतलब अकेला हुआ कहाँ जो जा रहा हूँ, ऊपर से कोहरा, जंगल, बारिश। भाई कोई दिख जाओ यार, पूछना है। अच्छा वाह अंकल जी, रासी विलेज कितनी दूर है? कितना? 12 12 किलोमीटर तो नहीं होना चाहिए यार, मुझे लगा साला 5-6 किलोमीटर होगी, या मुझे लगा जो सामने दिख रही है वो बोलेंगे कि यही है। अच्छा एक बोर्ड आया भाई आगे, तो यार ये शायद सही बोल रहे होंगे क्योंकि इनके बगल में ही बोर्ड है। हाँ यार ये तो सच्ची में 12 किलोमीटर है भाई। बारह किलोमीटर है यार। हेलो ट्रक भी आ रहे हैं इधर। अरे यार अब ऊपर जाने की नीचे जाना है। अरे भाई भैया रासी विलेज यही है। चलो भाई रास्ता तो यही है। भाई ऐसे धस रही है ना मिट्टी। वाह नस मुड़ गई पैर की भाई। यार ऐसी जगहों में पता है इसका टॉर्क काम आ रहा है यार। अरे भाई कहाँ कहाँ को जा रहा है अभी रास्ता। अरे भाई ये रास्ता है क्या? ओह माय गॉड।
अरे भाई इतना बड़ा मंदिर है यार, ये इसको पक्की क्यों नहीं कर देते रोड। ये देखो ये भाई साहब, जय भोलेनाथ। यार ये इतना पंच केदार में से एक केदार है यार, अब पंच केदार में से एक केदार है यार, ये रोड तो पक्की करनी चाहिए यार। भाई ऐसी भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है यार रोड, ऐसी से भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अंकल रांची विलेज कितनी दूर है? रांची अभी है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर वहाँ से, दो यहाँ से वहाँ। और रोड बहुत खराब है? ठीक है, अच्छा थैंक यू, धन्यवाद। अरे रे रे, ये तो भाई 8 किलोमीटर है कह रहे हैं और रोड यहाँ से ठीक है कह रहे हैं।